हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गुरु। हम जो पढ़ रहे हैं वो है बायोकेमिस्ट्री और उसका ये फोर्थ वीडियो होने वाला है। अगर अभी तक आपने जो है स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए प्ले लिस्ट में बायोकेमिस्ट्री में और सबसे पहला जो है स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं वो देखिए। और इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स जब हम रिपीट करते हैं तो फैटी एसिड्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, तो हमने लिपिड्स के बारे में इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक जो है मैं ऊपर आप इसके साथ अटैच कर दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फैटी एसिड्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फैटी एसिड्स जो होते क्या होते हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक फंक्शन ग्रुप जो होता है वो कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप होता है, जिस वजह से फैटी एसिड्स को क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोला जाता है। दे आर लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इनके अंदर क्या होती है, हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्ग चेन होती है। ये जो आप चेन देख रहे हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये वाली जो चेन है, ये जो चेन है ये हाइड्रोकार्बन की चेन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि ये CH3 से स्टार्ट होगी। ठीक है ना, तो फर्स्ट कार्बन जो है तो CH3 से स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड लगा करके CH2 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 जोड़ते चले जाएंगे और लास्ट में क्या होगा, COOH होगा, COOH होगा। तो ये जो कार्बन की चेन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन अटैच है, उसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन चेन। और COOH ग्रुप जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, जिसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, तो फैटी एसिड्स में यही दो चीज प्रेजेंट होती है, एक तो क्या चीज, तो हाइड्रोकार्बन चेन और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, सो हाइड्रोकार्बन विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट द एंड। ठीक है, एंड पर कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। और दूसरी क्या होती है, जिसकी टेल जो होती है वो कौन सी होती है, वो इसकी होती है हाइड्रोकार्बन की होती है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है, इसको हाइड्रोकार्बन चेन बोला जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है फैटी एसिड्स आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड्स। ठीक है ना, लिपिड्स के जो है एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं फैटी एसिड्स। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट इन द बॉडी। ठीक है ना, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, जो फैट बॉडी में स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू के नीचे, ठीक है ना, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है वो क्या होता है, फैटी एसिड्स होते हैं। मतलब फैट जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, फैटी एसिड्स के बने होते हैं। बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। दो टाइप के फैटी एसिड्स होते हैं, पहला होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का जो सेक्शन है वो किसके आधार पर डिवाइड हुआ है, वो डिवाइड हुआ है इस हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट बॉन्ड्स के आधार पर। ठीक है ना, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड्स है तो वो कैसा होगा, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होगा। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा है, डबल बॉन्ड है, तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होगा। ठीक है ना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को फर्दर क्लासिफाइड कर दिया गया है दो पार्ट में, कौन सा, मोनो और पॉली। अभी हम आगे पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड को भी टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो मोनो अनसैचुरेटेड और दूसरा पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो का मतलब सिंगल, मतलब ऐसे फैटी एसिड्स जिनके हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक जगह डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं। और ऐसे फैटी एसिड्स जिनमें मोर देन वन, ठीक है ना, एक से अधिक बार डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोला जाता है। देखते हैं, सबसे पहले है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो भी मैंने बताया, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होगा, एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोला जाता है। दीज मॉलिक्यूल्स फिट क्लोजली टुगेदर इन ए रेगुलर पैटर्न एंड हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन फैटी एसिड चेन। ठीक है ना, फैटी एसिड चेन,
ये कैसे होते हैं, ये क्लोजली अटैच्ड होते हैं, मतलब इसमें जो है कार्बन कार्बन कैसे होते हैं वो काफी ज्यादा क्लोजली अटैच्ड होते हैं, और उनके अटैचमेंट का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, रेगुलर पैटर्न होता है, ठीक है ना। और क्या बनाते हैं, एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन फैटी एसिड चेन्स, ठीक है ना। इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, मतलब एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ जो अटैचमेंट होगा वो कैसा होगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, दीज फैटी एसिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है ना। इन फैटी एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है, काफी हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो तापमान जिस पर कोई भी कंपाउंड को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट होता है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो दीज फैटी एसिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स विच मेक देम सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर में कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठोस अवस्था में प्रेजेंट होते हैं रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब कितना होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होते हैं, ये जो है सॉलिड स्टेट में होते हैं। क्या रीजन है इनका, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कैसा होता है, हाई होता है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होता है, क्योंकि ये क्लोजली अटैच्ड रहते हैं विद द स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स, ठीक है ना। अब अगर हम एग्जांपल की बात देखते हैं, तो एग्जांपल्स जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के हैं। द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर पैल्मिटिक एसिड्स और स्टेरिक एसिड, ठीक है ना। हमने दोनों का एग्जाम्पल डायग्राम देख लेते हैं, किस किस का, पैल्मिटिक एसिड्स का एग्जाम्पल ये है, इसमें जो है एक कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा कार्बन यहाँ है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नवा, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, और एक कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है ना, 16 कार्बन प्रेजेंट है। ये क्या है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, COOH कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये पैल्मिटिक एसिड्स है। दूसरा है स्टेरिक एसिड्स, इसका फर्स्ट कार्बन ये है, सेकंड कार्बन ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, और ये कार्बोक्सिलिक का 18 कार्बन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों के अंदर जो है पैल्मिटिक एसिड या स्टेरिक एसिड्स के अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक हाइड्रोकार्बन की चेन है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं, इसके आधार पर ये अलग अलग है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बात करते हैं हम नेक्स्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर फैटी एसिड दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डबल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होगा, एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोला जाता है। इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। एक तो है मोनो पॉली मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली नहीं है, अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दूसरा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, दैट मींस जिनके हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक जगह डबल बॉन्ड होगा उसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोल देंगे, जिसका एग्जांपल क्या है, ओलिक एसिड्स, ठीक है ना, ओलिक एसिड जो है इसका एग्जांपल है। दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट मींस जिनके हाइड्रोकार्बन में मोर देन वन, ठीक है ना, एक से अधिक बार क्या होता है, डबल बॉन्ड्स होता है, इसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं, जिसका एग्जांपल क्या है, लाइनोलिक एसिड्स, ठीक है ना। दोनों के डायग्राम देख लेते हैं। ओलिक एसिड्स का डायग्राम क्या है, ये कार्बन वन है, ठीक है, ये कार्बन टू है, ये कार्बन थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और ये कार्बोक्सिलिक का 18 कार्बन।
ऑलिक एसिड कैसा आया हुआ है, 18 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, ठीक है, जिसमें कार्बन कितना 9 और इसके बीच में 10 के बीच में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोला जाता है। जबकि लियोनोनिक एसिड जो है इसमें कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इसके अंदर भी 18 कार्बन है, लेकिन इसमें जो है डबल बॉन्ड्स की संख्या 2 है, एक तो कार्बन 6 और कार्बन 7 के बीच में और दूसरा कार्बन 9 और कार्बन 10 के बीच में, ठीक है ना, दो जगह डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका एग्जांपल माना गया है, तो इसलिए एग्जांपल होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। अब बात करते हैं रोल ऑफ फैट्स, ठीक है ना, फैटी एसिड्स जो है तो किसके मोनोमर्स हैं, वो फैट के मोनोमर्स हैं। अब फैट का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में उसके बारे में देखते हैं, तो फैट्स प्ले ए एसेंशियल रोल इन आवर बॉडी, ओके, फैट क्या है, एक हमारे बॉडी में एसेंशियल रोल प्ले करता है, इंक्लूडिंग क्या क्या इंक्लूड है इसमें, फैट हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टिंग इम्पोर्टेंट फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, ठीक है ना, उसके नाम से पता चल रहा है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स मतलब ऐसे विटामिन जो किसने फैट में सॉल्युबल होती है, ठीक है, उनका फैट क्या करता है, तो एब्जॉर्बेशन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ऐसे विटामिन को एब्जॉर्ब कर लेता है और दूसरा ट्रांसपोर्ट करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है ना। सेकेंड जो है, दे आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक है ना, ये जो एसेंशियल फैटी एसिड्स है उनका एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, दे इंसॉल्यूट एंड प्रोटेक्ट अवर वीटल बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, जो हमारे वीटल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, ठीक है ना, फैट जो है क्या बना लेता है, एक लेयर बना लेता है, जिससे क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह जो भी लगता है बाहर से बॉडी के ऑर्गन्स पर, तो जिससे ऑर्गन डैमेज ना है, उससे क्या करता है, उनको प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट है, फैट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, फैट क्या है, फैट जो है वो ग्लूकोज रिलीज करता रहता है, ठीक है ना, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, तो जिससे क्या है कि फैट जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन में भी काम आते हैं। नेक्स्ट है, फैट आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल, ठीक है ना, फैट जो है वो क्या बनाता है, वो बॉडी स्ट्रक्चर्स भी बनाता है, मतलब सेल का एक कंपोनेंट्स है जो सेल की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है, दे हेल्प द बॉडी प्रोड्यूस एंड रेगुलेट हॉर्मोन्स, ठीक है ना, हेड फैट जो है वो क्या करता है, वो हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन और उनके रेगुलेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है, फैट सपोर्ट सेल ग्रोथ, ठीक है ना, जो फैट जो है वो क्या करता है, सेल ग्रोथ को, मतलब सेल की जो ग्रोथ जो होती है, ठीक है ना, मैच्योरिटी जो होती है, सेल मैच्योर जो होती है उसको क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है, दे मेंटेन आवर कोर टेम्परेचर, ठीक है ना, क्योंकि फैट जो है एक लेयर बना लेता है, मतलब इसकी जो लेयर होती है वो हमारी बॉडी की जो एडिपोज टिश्यू जो है उसके नीचे एक लेयर बना लेता है, जिससे क्या होता है कि ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, ताकि हीट जो है वो बॉडी से बाहर या बॉडी के अंदर जो है वो एक्सेस मात्रा में रिलीज ना हो, इसलिए क्या है, तो फैट की जो लेयर है वो कवर, एक कवर की तरह काम करती है। नेक्स्ट है, मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, जो फैट जो है वो हमारी बॉडी में क्या चीज करता है, ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन भी करता है। तो ये कुछ रोल्स हो गए फैट के, जो फैट उसके द्वारा, फैटी एसिड्स के द्वारा कंपोज होता है। चलते हैं नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, ठीक है, लिपिड्स के कुछ फंक्शंस होते हैं, इंपोर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि फैट जो है वो क्या है, फैटी एसिड्स क्या है, वो भी कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड्स है, इसलिए लिपिड्स के फंक्शन जो है वो भी किस पर डिपेंड करते हैं, वो भी फैटी एसिड्स पर और फैट पर डिपेंड करते हैं। तो इसके कुछ फंक्शन है, देखते हैं, लिपिड्स लाइक एडिपोज टिश्यू एक्ट एज द इंसुलेटर्स एंड हेल्प टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर बाय रिड्यूसिंग
हीट लॉस, वही चीज जो फैट में भी पड़ा था। लिपिड्स जो है वो क्या करते हैं, एडिपोज टिश्यू के साथ पास स्टोर होते हैं और ये क्या करते हैं, इंसुलेटर्स का काम करते हैं। इंसुलेटर्स का मतलब जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, उसको उसमें जो है लिपिड जो है पार्टिसिपेट्स करते हैं। नेक्स्ट है लिपिड्स, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स एक्ट एज एनर्जी स्टोरेज इन ऑर्गेनिज्म प्रोवाइडिंग ए रिजर्व ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल्स। हाँ, जो है लिपिड्स जो है जो कि तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में, दैट मींस सिंपल लिपिड्स जो होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स किस में आते हैं, सिंपल लिपिड्स में, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो एनर्जी स्टोरेज का भी काम करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में। और जब कोई मेटाबॉलिक फ्यूल्स, ठीक है ना, मतलब जो मेटाबॉलिक फ्यूल्स होता है उसको रिजर्व फॉर्म में रखते हैं, मतलब ऐसे मेटाबॉलिक फ्यूल्स के रिजर्व के फॉर्म में रहते हैं। जब भी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है और एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो उसमें जो है ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो एनर्जी रिलीज करते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर, फैट और ऑयल्स है, ठीक है ना। ट्राइग्लिसराइड में क्या जाते हैं, फैट आ जाता है और क्या चीज, और दूसरा ऑयल्स आ जाते हैं, ठीक है ना, ये ट्राइग्लिसराइड्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड्स, फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म द लिपिड्स बाय लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर रेगुलेट द passes of molecules in out the cells। तो phospholipids जो होते हैं किसमें, phospholipids की जो bilayer होती है किसमें, cell membrane में, ठीक है, cell membranes में phospholipids की एक bilayer होती है जिसका काम क्या होता है, जिसका काम जो है होता है कि वो क्या करती है, molecules का जो आदान प्रदान, ठीक है ना, क्योंकि membrane जो की cell membrane क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, तो उसमें जो कौन से ऑर्गेनिज्म या कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल से अंदर जाएंगे या सेल से बाहर जाएंगे, इसको कौन रेगुलेट करता है, फॉस्फोलिपिड्स की बायलेयर रेगुलेट करती है जिसमें लिपिड और फॉस्फेट्स अटैच्ड है, ठीक है, तो ये भी एक लिपिड्स का फंक्शन होता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स लीव फ्रॉम डायरेक्ट हीट ऑफ और एंड ड्राइंग, ठीक है ना। लिपिड्स की एक लेयर होती है, ठीक है ना, लिपिड्स की एक लेयर होती है जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, लीव्स के ऊपर, पौधों की जो पत्ती जो होती है उसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम ये होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसके द्वारा, हीट्स के द्वारा, मतलब सनलाइट उन प्लांट्स पर की लीव पर जैसे पड़ती है तो उससे वेपोरेशन की प्रोसेस ज़्यादा तेज ना हो जाए, जिससे प्लांट्स को पानी की कमी हो जाए, तो उसको क्या करती है, ये कंट्रोल करके रखती है। नेक्स्ट है स्टेरॉइड हार्मोन्स ड्राइव फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल प्ले विटर रोल इन द रेगुलेटिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो तुम्हारे क्या होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जिसको क्या करते हैं, जो कि डेरिवेटिव फॉर्म से ड्राइव फॉर्म है, जिसकी कोलेस्ट्रॉल की ड्राइव फॉर्म है, इसके बहुत सारे काम होते हैं जो कि तुम्हारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है एंड द रिप्रोडक्शन है, उसमें जो है ये पार्टिसिपेट्स करते हैं, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली लिपिड्स जो है किसमें, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प होते हैं। नेक्स्ट है इट एक्ट एज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी एंड एक्ट एज द हाइड्रोफोबिक बैरियर्स, ठीक है ना। तो ये लिपिड्स का क्या काम रहता है, ये बॉडी में जो है इस तरीके से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाते हैं जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है हाइड्रोफोबिक बैरियर्स की तरह काम, ठीक है। हाइड्रोफोबिक बैरियर्स मतलब ऐसे बैरियर्स जो तुम्हारे वाटर से जो है रिटेन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है इन प्लांट्स लिपिड्स कैन बी स्टोर एज ऑयल इन सीड्स प्रोवाइड ए source of energy for germination and yearly growth, ठीक है ना। प्लांट्स में क्या होते हैं, जो लिपिड जो है वो ऑयल्स के फॉर्म में स्टोर रहते हैं किसमें, सीड्स में, ठीक है ना, सीड्स में, ठीक है। जो क्या काम करते हैं, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किस टाइम, जब सीड जर्मिनेट होता है उसके ईयरली ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। तो जब सीड जर्मिनेट होता है उसके स्टार्टिंग के लिए जो है एज ए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं क्या चीज, सीड में जो है स्टोरेज जो ऑयल होता है, ठीक है ना, ठीक है, खाने में भी इस ऑयल को यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है लिपिड्स आर वाटर प्रूफिंग स्ट्रक्चर, लिपिड्स फॉर्म वाटर प्रूफिंग स्ट्रक्चर सच एज द वैक्स
क्यूटिकल्स ऑन द प्लांट लीव्स और द ऑयल ऑन द फीचर्स ऑफ वाटर वर्ल्ड्स। ठीक है ना, मतलब एक कहने का तरीका ये है कि लिपिड जो है वो क्या करते हैं, वाटर प्रूफिंग का काम भी करते हैं। जैसे कि तुम्हारा अभी हमने बताया कि जो पौधों की पत्ती जो होती है उसके ऊपर एक वैक्स चला रहता है, जिससे कि पौधों में जो है कंट्रोल्ड वेपोरेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है इट प्रोवाइड कलर फॉर मेनी फूड्स एंड वेजिटेबल विद द प्रेजेंस ऑफ कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट्स। ठीक है ना, कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट्स जो होते हैं, जो कि क्या जिनका काम क्या होता है, कलर प्रोडक्शन का काम होता है, मतलब जो कलर प्रोड्यूस करते हैं किसमें, फ्रूट में या वेजिटेबल में, और वो किसकी फॉर्म है, वो ड्राइव फॉर्म ऑफ लिपिड्स। ठीक, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ लिपिड्स के जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। सो बेसिकली लिपिड एग्जाम्पल आर घी, बटर, ऑयल, चीज, कोलेस्ट्रॉल, वैक्स एक्सेट्रा। ठीक है ना, घी जो है, बटर है, ऑयल है, चीज है, या कोलेस्ट्रॉल, वैक्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं इसके लिपिड्स के। ऑल दीज कंपाउंड्स हैव वन थिंग्स इन कॉमन, कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स आर फॉलोज। ठीक है ना, ये जितनी भी चीज मैंने बताई है, ठीक है ना, ये सारे के सारे, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चीज हो, वैक्स हो, ये सारे कैसे होते हैं, इन सभी के अंदर एक चीज कॉमन होती है कि ये जो है पानी में, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि तुम्हारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये आ जाते हैं मीथेनॉल्स वगैरह, बेंजीन वगैरह, क्लोरोफॉर्म्स, इसमें ये सॉल्युबल होते हैं। अब लिपिड्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स किसमें होते हैं, फैटन और ऑयल्स में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये स्टोरेज एनर्जी का काम करते हैं सेल्स में। नेक्स्ट जो रहता है तुम्हारा फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स दैट मीन्स किसमें प्रेजेंट होता है, ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, फॉर्मिंग लिपिड्स बाइलेयर, जो कि बाइलेयर बनाता है। Both TAG and phosphoglycerides structures are almost the same, just, ठीक है ना, तो most probably कहाँ present होता है, phospholipids cell membrane में present होता है, जो कि cell membrane का bilayers बनाता है। ठीक है ना, तो membrane formation में बोल सकते हैं। Next है तुम्हारे steroids, including क्या चीज, cholesterol, a membrane compound and steroids hormones। ठीक है ना, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स भी होते हैं और मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स भी होते हैं कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में, जो मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। तो ये भी एग्जांपल किसका हो जाएगा, ये भी एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा लिपिड्स का हो जाएगा। आगे देखते हैं, वैक्स प्रोवाइड वाटर प्रूफिंग इन प्लांट्स, एनिमल एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वैक्स एग्जाम्पल होते हैं ट्राई, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, वाटर प्रूफिंग का काम करता है, किसमें, प्लांट्स में, एनिमल्स में और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। Wets are usually saturated with long chain monohydric alcohols. ठीक है ना, saturated carbon hydrocarbon की chain होती है, जो कि कैसे होते हैं, monohydric alcohols होते हैं। They are the simple ester of fatty acids. ठीक है ना, ये fatty acids के simple ester होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, ester होगा, ठीक है, और दूसरा fatty acids के compound। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो क्या चीज है, वो है बी वैक्स। बी वैक्स मतलब जो शहद की मक्खी, जिसमें हनी बीज, जिसमें क्या करती है, हनी कलेक्ट करती है, जो चैम्बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, डायग्राम में दिखा रखा है, जो चैम्बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसके द्वारा बना होता है, वो क्या होता है, वो बी वैक्स होता है। सो बी वैक्स इंक्लूडिंग फैटी एसिड एंड सम फ्री एल्कोहल्स। ठीक है ना, फैटी एसिड्स और कुछ एल्कोहल्स जिसके द्वारा ही बना होता है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो कैमनेबुआ वैक्स। ठीक है ना, इट इज द हार्ड वैक्स यूज्ड इन कार्स एंड बोर्ड्स। ठीक है ना, कार्डबोर्ड्स जो होते हैं उनमें ये यूज होता है हार्ड वैक्स के फॉर्म में। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है वैक्स का, वो है सुपर मेस्टी वैक्स। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एसिटिल पलमिटी यूज्ड फॉर द फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आप एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं वो है बी वैक्स, हनी बी वैक्स जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है लिपिड्स का, वो है ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है ना, ग्लाइकोलिपिड्स के नाम से पता चल रहा है, इसमें ग्लूकोज दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट है, और क्या चीज है, ये लिपिड्स है। तो कंटेन कार्बोहाइड्रेट एंड आर इम्पोर्टेंट इन सेल रिकॉग्निशन। ठीक है ना, लाइक ग्लाइकोलिपिड्स का काम क्या होता है, वो सेल रिकॉग्निशन का काम करती है। ठीक है ना, सेल्स जो है किसी को रिकॉग्नाइज करती है, तो उसमें जो रिकॉग्निशन का काम करती है वो किसके द्वारा बने होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स के द्वारा बने होते हैं। नेक्स्ट जो है स्फिंगोलिपिड्स है, दिस इज द डाइवर्स ग्रुप ऑफ लिपिड इन्वॉल्विंग द सिग्नलिंग एंड द स्ट्रक्चर्स। इसका काम क्या होता है, सेल सिग्नलिंग और क्या चीज,
सेल स्ट्रक्चर का फॉर्म काम करते हैं। नेक्स्ट है लाइकोप्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट लिपिड्स लिपिड इन द ब्लड स्ट्रीम्स, ठीक है ना। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स लिपिड लाइकोप्रोटीन्स जो है, और इसका काम क्या होता है, ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड्स को इन ब्लड स्ट्रीम्स, ठीक है ना, ब्लड में जो है ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और भी ये एग्जांपल्स हैं, आप इनको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस किया है। बात करते हैं कंक्लूजन की। सो बेसिकली लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड द कार्बन एटम्स, ठीक है ना। किस किसके द्वारा बने होते हैं लिपिड्स, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा बने होते हैं। नेक्स्ट जो है, लिपिड्स प्राइमरी फंक्शन इज द सब एज स्ट्रक्चरल मटेरियल। लिपिड का जो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, वो जो है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का काम करती है। नेक्स्ट जो है लिपिड्स सब यूनिट्स, लिपिड्स की सब यूनिट होती है वो कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट है देयर रोल वेरी फ्रॉम एनर्जी स्टोरेज फॉर्मिंग सेल स्ट्रक्चर्स हार्मोन प्रोडक्शन एंड द इंसुलेशन, ठीक है ना, इंसुलेशन। तो इसके बहुत सारे काम हैं, जैसे कि तुम्हारा सेल स्ट्रक्चर फॉर्म करना, हार्मोन प्रोडक्शन का काम करना और इंसुलेशन का काम करना, मतलब बॉडी हीट को मेंटेन करना। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस एंड इट हेल्प अस टू द देयर सिग्निफिकेंस इन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है ना। तो ये जो है सारा जो है लिपिड्स के बारे में है, उसके फैटी एसिड्स के बारे में है। इसमें हमने क्या पढ़ा, फैटी एसिड्स की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स पढ़े, ठीक है ना। उसके बाद फैट के बारे में पढ़ा और लिपिड्स के फंक्शन के बारे में पढ़ा। यहाँ पर जो है लिपिड से रिलेटेड जो है उसका फंडामेंटल्स खत्म हो जाता है। आगे जो हम आने वाले लेक्चर्स में होंगे उसमें बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स पढ़ेंगे। तो ऐसी और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी बायोकेमिस्ट्री की जितनी भी वीडियोज हैं आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे, ठीक है।